अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू अल्लाह के फजलो करम और शुक्र के साथ। जो आज हम चीज़ बनाने वाले हैं वो है डबल क्रिस्पी पटाटो चिप्स। तो आज हम आपको उसके बारे में बताते हैं कि डबल क्रिस्पी पटाटो चिप्स कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ और एंजॉय करें और देखें वीडियो को। चलें बिस्मिल्लाह। ये सबसे पहले आपने ये कटर ले लेना है और उस पर आपने ये पटाटो को बहुत ही बारीक बारीक इसके पीस करने हैं। ये देखें इस तरह के बहुत बारीक बारीक आपने 5-7 पीस कर लेने हैं। और उसके बाद आपने इनको एक ठंडे यख पानी में डालकर रख देना है। तो जैसा कि ये मैंने पहले बना के इधर रखे हुए हैं, कुछ पोटैटो को बिल्कुल ठंडे पानी में हमने फ्रीज़ किया हुआ है। तो इसके बाद आपने करना क्या है, तो ये आपने सब पूरा साफ़ कर लेना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आपने इस तरह सब पोटैटो को सुखा लेना है। फिर आपने एक थोड़ा सा टिश्यू का रोल ले लेना है और टिश्यू के रोल के बाद आपने इसे अच्छी तरह से खुशक कर लेना है। जब ये अच्छी तरह खुशक हो जाएं, ये देखें अभी भी इनमें नमी नमी है, तो ये जब ये खुशक हो जाएंगे इस तरह के, तो ये आपने इनकी दोनों साइडों से इसे अच्छी तरह इन्हें खुशक करना है। तो नाज़रीन आपने ये पोनी ले लेनी है जिससे हम चाय वगैरह बुनते हैं। तो उसके बाद आपने इसे इसकी मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर डालना है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक तह बन जाएगी। और ये देखें इस तरह की, अब हमने इसके दो दो पीस कर लेने हैं और उसमें से एक टूथपिक ले लेनी है जो कि हमने दरमियान में से इसके गुजारनी है ताकि जब हम इसे ऑयल में डालें तो ये खुल ना जाए, तब बनेंगे ये रोल, क्रिस्पी डबल रोल चिप्स। तो ये देखें आपने इसी तरह बहुत ही आसानी के साथ इन्हें गोल कर लेना है। उसके बाद आपने ये एक कोमल पिन ये ले लेनी है, टूथपिक। टूथपिक डालने के बाद आपने इस तरह इनको ये बना लेने हैं। जब ये बन जाएंगे तो फिर अगला प्रोसीजर ये होगा कि आपने इसे ऑयल में डालना है और पिच हल्की आंच पर आपने इसे तैयार करना है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितने प्यारे और क्रिस्पी बनेंगे ये देखें जी माशाल्लाह कितने प्यारे, ये देखें ये रोल बन गए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार होंगे इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। तो नाज़रीन ये हमारी बच्ची ने है ना, इधर लगता है कोई काम ख़राब कर रही है। तो ओहो, ये तेल की बोतल खुली रखी हुई है और दिखाओ क्या किया है, क्या किया ये देखें इसने पूरा सर में तेल की शीशी पूरी डाल ली है और अब ये देखें अब हंस रही है अभी, ये क्या किया मैंने। अब आपने आग जला लेनी है इस तरह और ऑयल को अच्छी तरह गरम करना है। गरम करने के बाद आपने ये जो रोल बनाए हैं ये आपने आहिस्ता आहिस्ता उसमें डालने हैं और हल्की आंच पर तैयार करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये देखें हमने ऐसे इसमें डाल देने हैं कढ़ाई में। तो जब ये इसमें डाल देंगे तो हल्की आंच पर आपने इसे पकाना शुरू कर देना है।
ये तकरीबन थोड़ी ही देर में ये तैयार हो जाएंगे। अब इनकी फाइनल लुक आ जाएगी, ये देखिए ये भी बन रहे हैं और तैयार हो रहे हैं। तो नाज़रीन वीडियो को पूरा देखा करें ताकि उससे आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो, ताकि आपको हम जो चीज़ तैयार करते हैं वो उसकी वीडियो पूरी मिल सके। तो वीडियो को पूरा देखा करें और एंड पे स्किप ना कर दिया करें। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आज हमने क्या चीज़ बताई है। तो ऐसा करेंगे, आप वीडियो को पूरा देखा करें और ये देखें। तैयार हो रहे हैं, बस अभी ही थोड़ी देर में ये, जब ये रेडिश ब्राउन कलर के हो जाएं तो आपने इन्हें जल्दी जल्दी उतार लेना है। ये देखें रेड होना शुरू हो गए हैं, तकरीबन आधे मिनट में ये रेड हो जाएंगे सारे, और फिर आपने इन्हें जल्दी जल्दी उतार लेना है वरना ये जल भी सकते हैं। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आ रही है और ये तैयार हो रहे हैं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे और मज़ेदार, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितने ही क्रिस्पी और जायकेदार बन गए हैं। ये देखें माशाल्लाह, तो नाज़रीन ये देख सकते हैं ये इनकी फाइनल लुक आना शुरू हो गई है। ये बहुत आसानी से आप घर पे तैयार कर सकते हैं और इसे मज़े से खा भी सकते हैं। तो यकीनन आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और ये देखें, तो ये देखें नाज़रीन बहुत ही प्यारी और मज़ेदार क्रिस्पी आइटम जो कि तैयार हो गई है, और आप देख सकते हैं कि कितनी ही मज़ेदार और अच्छी लगेगी। माशाल्लाह ये चेक करें, तो ये नाज़रीन बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी आइटम जो कि आज तैयार की है, कैसी बनी है? बहुत ही मजेदार, बहुत मजेदार, मजा आ गया। टेन में है 10 नंबर, ये लगा दें 10 में से 10 नंबर है, बहुत ही मजेदार है। आप भी घर पे ट्राई कर सकते हैं और बना सकते हैं, बहुत ही मजेदार बनती है। और जैसा कि आज हमने ये देखे तैयार की है, और आप भी इसे बनाकर और मजे से खा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एंड में रहेगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।